सूरत महानगरपालिका वर्ष 2023-24 ड्राफ्ट बजेट कमिश्नर शालिनी अग्रवाल द्वारा रूपया 7,707 करोड़ रजू करायु छे, जेमा कैपिटल खर्च पेटे रूपया 3,519 करोड़ लक्ष्यांक कर्यो छे। साथे सूरत शहर ने वधु आइकॉनिक प्रोजेक्ट नी साथे वधु डेवलप करवामां आवशे। वधु माहिती एबी न्यूज चैनले सूरत मनपा म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल पासेथी जाणी हती। हेलो नमस्कार, आज सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा बजट 2023-24 जो है वो रिलीज़ किया गया था, जो ₹7,707 करोड़ का रिलीज़ हुआ है। किस तरह से इस बार सूरत को कितने आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स हैं, गुणवत्ता वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाइल्ड और वुमेन डेवलपमेंट के लिए कितने प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, उनसे हम बात करेंगे। जी मैम, आज 7,707 करोड़ का बजट रिलीज़ किया गया है, क्या मेन आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स हैं जो सूरत को और आइकॉनिक डेवलप करेंगे? 2023-24 में डूमर सी फेज डेवलपमेंट का एक खूब इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट का प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा एक किड्स सिटी सेंटर जो पूरे गुजरात में यूनिक प्रोजेक्ट होगा वो इसमें प्रपोज किया गया है। इसके अलावा जो नए कैनाल कॉरिडोर्स हैं और जो चार आइकॉनिक रोड्स वो इस प्रोजेक्ट में आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स में लिए गए हैं। साथ में महिलाओं के लिए इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी नई नई स्कीम्स ली गई हैं, जैसे कि 1,00,000 महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग और हेल्थ आईडी कार्ड, जिससे कि भविष्य में उनको प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट के साथ में जोड़ा जा सके। साथ में शी टॉयलेट्स पब्लिक प्लेसेस पे, ब्रेस्ट फीडिंग सेंटर्स पब्लिक प्लेसेस पे, महिलाओं के लिए सूरत जाना जाता है डायमंड और टेक्सटाइल के लिए, उसमें ट्रेनिंग रोजगारी के स्तर उनको मिले, उसके लिए ड्रोन में महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए और उनको रोजगारी से जोड़ा जाए, उसके प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं। इसके अलावा जो सूरत इकोनॉमिक सिटी है, इसलिए स्टार्टअप्स और इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उन सबको प्रमोशन हो, इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट्स इस बजट में लिए गए हैं। जी, चाइल्ड्स और क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जो डेवलप किए जाएंगे, 3D जो वॉल पेंटिंग्स है, तो उसमें क्या इनोवेटिव है? इस बार सूरत महानगर पालिका 100% ई लर्निंग की तरफ आगे बढ़ रही है और उसके लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो 23 चॉइस में ले लिया गया है और 100% ई लर्निंग किया जाएगा। साथ में जो रोबोटिक लैब्स हैं वो डेवलप की जाएंगी, कंप्यूटर लैब्स, साइंस लैब्स, 3D पेंटिंग्स के थ्रू एजुकेशन, ज्ञान कुंज प्रोजेक्ट के अंतर्गत में जो स्मार्ट शाला है, ICT के थ्रू लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड प्रोजेक्टर्स के थ्रू एजुकेशन, जितने भी नए विस्तार ऐड हुए हैं उन सभी को जितने भी स्कूल्स हैं वो 23 चॉइस में कॉरपोरेशन के अंडर में ले लिया जाएगा और वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी प्रमोट किया जाएगा और खेलकूद संवर्धन कार्यक्रम इस बजट में अनाउंस किया गया है, जिसमें बच्चों का न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स, एजुकेशन तीनों को मिला के सर्वांगी विकास हो। साथ में जो किड्स साइंस सिटी सेंटर होगा, जो अपने आप में एक यूनिक सेंटर होगा 100 करोड़ के खर्चे से, वो भी इस बजट में प्रपोज किया गया है। जी, सूरत में पहली बार सूरत जो बजट देखा जाए उसमें ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड है, क्या है उसकी विशेषताएं? भारत सरकार सभी कॉरपोरेशंस को प्रमोट कर रही हैं कि वो आत्मनिर्भर बने और जो संसाधन है, रेवेन्यू संसाधन है, वो सभी जनरेट करें, और क्लाइमेट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट्स हों, और इसीलिए ग्रीन बॉन्ड्स को प्रमोट किया जा रहा है। इस बार सूरत महानगर पालिका ने डिसाइड किया है कि वो 100 करोड़ का ग्रीन बॉन्ड करेंगे और उसमें केंद्र सरकार की जो 10 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम है उसका भी लाभ मिलेगा। पर इसके साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि पहली बार सूरत महानगर पालिका एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपनी कटिबद्धता दर्शाते हुए, क्लाइमेट एक्शन को ध्यान में रखते हुए पहली बार ग्रीन बजट रजू किया है, जिसमें 10% जितना खर्चा कैपिटल प्रोजेक्ट्स और ONM का खर्च वो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि समग्र भारत देश में सूरत महानगर पालिका ने ग्रीन बजटिंग की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम आज उठाया है। जी, वेरा के बारे में बात करें तो वेरा में किस तरह से पॉलिसी को चेंज किया गया, किस तरह से होगा? जो वेरा है उसमें रेजिडेंशियल में
10 से 14 रुपए बढ़ाने का प्रपोज़ किया गया है, और जो बिन रहनाक है उसमें 25 से 35 35 रुपीस बढ़ाने का प्रपोज़ किया गया है। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो वेरा प्रपोज़ हुआ है उसमें जो गरीब लोग हैं या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या जो नबड़ी परिस्थिति के लोग हैं उनको इसमें से बाकात रखा गया है, इसलिए इक्विटेबल टैक्स जो वधारा है वो इस बजट में प्रपोज़ किया गया है। तो जैसे हमने बात की कमिश्नर शालिनी अग्रवाल से, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस साल का जो बजट है वो काफ़ी आइकॉनिक है, क्योंकि वो सूरत सिटी को काफ़ी डेवलप करने के लिए, काफ़ी यूनिक और आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए जो बजट है वो रिलीज़ किया गया है। वुमेंस के लिए काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार बजट में रिलीज़ की गई है, शी टॉयलेट एंड ब्रेस्ट फीडिंग सेंटर्स जो हर एक जोन के अंदर बनने जाएगा, ग्रीन सिटी को एनवायरमेंटल सिटी बनाने के लिए भी काफ़ी सारे प्रयास किए गए हैं।